ये बात करण जौहर कई बार साबित कर चुके हैं कि वो फैमिली फिल्म्स बनाने में माहिर हैं। पूरे परिवार को किस तरह से सिनेमा हॉल्स तक लाना है, ये टैलेंट करण में है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की ये नई प्रेजेंटेशन कमाल की है और सबसे बड़ी बात बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जिसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। ये कहानी है कनाडा में रहने वाले वरुण और कियारा की, जो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन वरुण की बहन की शादी के लिए इन्हें इंडिया में पटियाला आना पड़ता है और दोनों सोचते हैं कि शादी के बाद अपने तलाक की बात करेंगे। यहाँ पर होता क्या है कि वरुण को पता चलता है कि उनके डैड अनिल कपूर भी उनकी मम्मी नीतू कपूर से तलाक लेना चाहते हैं। इसके बाद क्या होता है, कैसे रिश्तों में उलझने बढ़ती हैं देन सुलझते हैं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। कहानी को बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। फिल्म बहुत जल्दी मुद्दे पर आ जाती है, आप हंसते हंसते अभी थके भी नहीं होते कि इंटरवल हो जाता है। फिर सेकेंड हाफ में भी मस्ती और इमोशन का डोज जारी रहता है। निर्देशक राज मेहता ने फिल्म पर पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं होने दी। कॉमिक पंच कमाल के हैं। फिल्म आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है और इमोशनल भी करती है। फिल्म में हर एक्टर ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। अनिल कपूर वरुण धवन के डैड के किरदार में खूब जमे हैं, वो अपने एक्सप्रेशन से ही हंसा देते हैं। अनिल कपूर जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ आपको हंसाते ही हैं। वरुण धवन ने कमाल का काम किया है, एक तो पत्नी से परेशान, दूसरा पापा से परेशान। वरुण ने चेहरे पर इस परेशानी को शानदार तरीके से जाहिर किया है। कियारा आडवाणी इस वक्त बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही हैं और यहाँ भी तमाम सितारों के बीच कियारा अलग ही चमकती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस से लेकर एक्टिंग ज़बरदस्त है। नीतू कपूर को स्क्रीन पर देखना एक पीसफुल एहसास रहेगा, वो आपको कई सीन्स में रुला डालती हैं। मनीष पॉल की बात की जाए तो मनीष पॉल कमाल के होस्ट हैं, ये बात अब पुरानी हो गई है, अब वो कमाल के एक्टर भी हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग गजब की है। अनिल कपूर वरुण धवन और मनीष पॉल के बीच की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। प्राजक्ता ने YouTube की दुनिया के बाद बड़े पर्दे पर दमदार दस्तक दी है। वरुण की बहन के अपने किरदार को उन्होंने अच्छे से निभाया है और लगता है कि वो लंबी पारी खेलेगी। फिल्म के म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों कमाल के हैं। कहीं गाना आने पर ऐसा नहीं लगता कि अब फ़ोन चेक कर लें या फिर बाहर चले जाएं, हर गाना सूट करता है और बैकग्राउंड में बजने वाले गाने तो बहुत कमाल लगते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक साफ सुथरी फिल्म है और आप पूरी फैमिली के साथ इसे बैठकर देख सकते हैं और यही बात इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकती है। N1 Live से मैं रूही ग्रोवर।